आपने अपने चैनल सब्सक्राइब किया तो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके अपने चैनल को। ऐसे गाने बच्चों को रोज सुनने सुनाना चाहिए, बच्चों ने बोलना भी चाहिए, क्योंकि गाना ऐसी चीज है कि जो सुनते सुनते दिल में प्रवेश करती है। आजकल देश में जो वातावरण है, सीमाओं पे जो वातावरण है, इसके लिए जरूरी पड़ गया है कि सारे हम नौजवान और छोटे बच्चे भी, छोटे बच्चों से शुरू करना चाहिए, वो सोल्जर लाइक क्वालिटीज अपनाएं। उनका जैसे देश प्रेम हो, कुछ भी करने की हिम्मत हो, शौर्य हो, पराक्रम हो, और एट द सेम टाइम उनका आज्ञाधारकपना, मतलब डिसिप्लिन भी होनी चाहिए, इसके सारों की जरूरत है। खाली स्कूल का एजुकेशन काफी नहीं है, ऐसे गाने बार बार देखे, सुने, एक्ट करे उसके ऊपर, बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है ये गाना तो शुरुआत है, और गाने के बाद 31st को बहुत बड़ा प्रोग्राम भी होने वाला है। टीवी पे हम देखते हैं वो रियल हीरो नहीं होते हैं, 31st में रियल हीरो आने वाले हैं, जो सचमुच हमारे आज के लिए, हमारे कल के लिए उनका आज देते हैं। उन जैसे लोगों को मिलना, बोलना, खाली देख के और उनको सुन के ही हमको बहुत कुछ मिल जाता है, जिसकी आज बहुत 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 जरूरी है। जितनी सीमा व्यस्त है और त्रस्त है, उतना हमारे भारत के अंदर भी बहुत अवरोध बढ़ गया है, झगड़े झमेले। हम सोचते थे कि 70 साल में हम एक संघ हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। तरक्की तो हमने जरूर की है, संरक्षण क्षेत्र में भी की है, फिर भी मन से ऐसी कोई ताकतें हैं, हम सब जुदा करने में तुली हुई है। मुझे लगता है सेना ऐसा है, उसमें जात धर्म पंथ किसी का कुछ भी नहीं होता, अलग नहीं होता, एक ही होता है, देव देश। देव देश यही हमारा देव है, देश यही हमारा धर्म है, और देश के लिए जीना और देश के लिए मरना, यही हमारी अंतिम और शुरू की कामनाएं हैं। मुझे लगता है ये भावना हर एक भारत के मन में होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो गाना है और आपका जो प्रोग्राम है, वो ऐसी भावना को बढ़ावा देने के लिए बहुत 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 मदद करने वाला है। जो जो इस काम में जुड़ा हुआ है, उन सब लोगों को मेरा बहुत लाख लाख आशीर्वाद। मैं समझती हूँ ये शुरू, दुख की बात तो ये है कि हमारे बड़ों को ना छोटों को कितने परमवीर चक्र मिले हैं, उनके नाम क्या है पता नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि मैं जब जगह जगह जाती हूँ, उधर पूछती हूँ कितने, मतलब वॉर्स कौन से साल में हो गए, तो लोग 62 से स्टार्ट करते हैं, किसी को भी 83, 84 सियाचिन वो भी याद नहीं रहता है। और सबसे बड़ी लड़ाई दीर्घकाल जो चली 23 अक्टूबर 1947 से लेके 49 तक, 1.5 साल चली, उसका तो सब भूल गए हैं। वो लड़ाई में जैसे बोले वो हाईएस्ट लेवल पे रणगाड़ा भारत का जनरल थेमैया के नेतृत्व के नीचे उधर गया था। उधर लेह लड़ाख की जो जनता थी, वो लेह लड़ाख की जनता भी, उसके बच्चे भी ये लड़ाई में शामिल हो गए थे। महावीर चक्र रिंचिन, वो 17 साल का था, खाली 17 साल का था। कितने सारे पराक्रम उस हम लोगों ने किए उधर, फिर भी किसी को भी किसी को पता ही नहीं है। और जो गिलगिट और बल्टिस्तान है, वो हम कैसे गवाया, कोई भी भारतीय जो सुन लेगा
वो जरूर पाकिस्तान क्या चीज है और कश्मीरी और कश्मीरियत बोलते हैं वो क्या चीज है अपने आप समझ जाएगा. जो किताबें मैंने पढ़ी है वो कोई भी कलर में रंगी हुई नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पत्रकार ने लिखी है. आर्मी के जो ऑफिसर्स हु वेर एंगेज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑपरेशन दे हैव रिटर्न डाउन द ऑपरेशन रेस्क्यू है, पैराडाइज सेव्ड है, स्लेंडर द थ्रेड है, ऐसे सारी किताबें उन्होंने ये सारी सारी बातें आई है. मुझे लगता है ऐसी जो बातें और उसमें से जो शॉर्ट स्टोरीज करड़ू कैसे लड़ा गया ये सारी बातें छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री के रूप से समाज के सामने आनी चाहिए. तो समाज बदल सकता है, हमारे लोग पूरे नहीं है, अज्ञान है और अज्ञान का फायदा पाकिस्तान भी लेता है और घर के अंदर छुपे जो शत्रु है वो भी लेते हैं. उनको मजा आती है आपस में लड़ाने का. चलते चलते एक आखिरी सवाल, ये कार्यक्रम व्यूवर्स से क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं और जो होने वाला है 31st को ये कार्यक्रम कहाँ पे होने वाला है, विस्तार से अपील करना चाहेंगे व्यूवर्स से? मैं बोलती हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कि देव का दर्शन हम लेते हैं तो हम पावन हो जाते हैं, और जवान और देव दोनों में बहुत साम्य है. व्हेनेवर देयर इज अ डिफिकल्टी यू कॉल द गॉड एज वेल एज द जवान ऑल्सो. व्हेन द काम फिनिश हो जाता है भगवान को भी भूल जाते हैं, सोल्जर को भी भूल जाते हैं. एक्चुअली भगवान क्या होता है, जो आदमी हमको मदद करता है वही भगवान होता है. तो पूर हो, भूकंप हो या ऑपरेशंस हो या लड़ाई हो, हमारी रक्षा करता है जवान. हवाई मार्ग से करता होगा, सागरी मार्ग से करता होगा या भूमि से करता होगा. उधर ऐसे जहाबाज आने वाले हैं, उन्होंने जैसे बोलते हैं ना रिस्क, टेकिंग द रिस्क ऑफ द लाइफ, गोइंग बियॉन्ड अ ड्यूटी, ऐसे उधर सब लोग हमको मिलेंगे. तो भगवान के दर्शन लेके जैसे हम पावन हो जाते हैं वैसे इन लोगों का दर्शन लेके पावन तो हो जाएंगे. दूसरी बात यह है भगवान के साथ जब हम बात करते हैं तो वन वे ट्रैफिक होता है, इधर टू वे ट्रैफिक है. वो लोग जिंदा है और हमसे बात करने वाले हैं, उनको हम देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो उसका असर ज्यादा हो जाएगा. जैसे हम बोलते हैं पुलिस के पास जाने से लोहा का भी सोना हो जाता है, जैसे इन लोगों के पास जाने से, इनको देखने से, सुनने से हमारी जिंदगी का सोना हो जाएगा, मतलब उनकी क्वालिटीज अपने आप में जरूर आ जाएगी. थैंक यू. थैंक यू.